स्थानीय जेपी नगर के विशाल इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में जन्माष्टमी पर्व का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राधा कृष्ण बने बच्चों की आरती कर किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है इसकी जानकारी दी गई और नाटक के माध्यम से बच्चों एवं अभिभावकों को सेव द ट्री, सेव द वाटर जैसे कई मैसेज भी दिए गए। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। छोटे छोटे बच्चों को राधा कृष्ण बने देख श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। आज जैसा कि कल कृष्ण जन्माष्टमी है और पेरेंट्स की छुट्टी को देखते हुए हम लोग ने आज स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी रखा ताकि सभी पेरेंट्स आके हम लोग को देख सके और सभी स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लॉकडाउन के बाद सभी पेरेंट्स और बच्चे बोर हो रहे थे घर में, तो फर्स्ट टाइम हम लोग के स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है। सभी पेरेंट्स संडे को इसलिए रखा गया ताकि सारे पेरेंट्स आके इन्जॉय कर सकें। और जैसा कि हम लोग के स्कूल में बच्चों टीचिंग के साथ साथ और भी डिसिप्लिन सिखाया, संस्कार सिखाया जाता है कि बच्चे अपने पुराने जो पेरेंट्स जो नहीं सिखा पाते बच्चों को, वो आपको यहाँ पे स्कूल पे आपके साथ बच्चे को सिखाया जाता है कि कैसे आप पुराने धर्म को ना भूले, अपने मम्मी पापा का अपने मम्मी पापा का आदर करना ना भूले और बड़ों का आदर करना सीखे, दोस्तों के साथ अच्छे व्यवहार करने चाहिए और बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। आज के कार्यक्रम पे फैंसी कंपटीशन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें जैसे कि आपको बताया गया है कि सेव वाटर, सेव चिल्ड्रेंस और सेव लड़कियों का, आज के टाइम पे जो लड़कियों के साथ जो हो भी हो रहा है उसमें एक लड़कियों कैसे सेव करना चाहिए, अपने बच्चियों को कैसे सेफ्टी सिखाना चाहिए कि बैड टच गुड टच, ये सब सारी कुछ आज के कार्यक्रम में बताया गया है। विशाल इंटरनेशनल स्कूल जहाँ आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।